हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज हम जा रहे हैं ओरछा बाय रोड और हम जा रहे हैं भोपाल से जो सागर वाली रोड है होते हुए हम जा रहे हैं ओरछा। और ये रास्ते में जो छोटा सा जो नज़ारा है वो मैं आपको खड़े होकर दिखाना चाहती हूँ, फिर मैं आपको ओरछा की हिस्ट्री बताती हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है। हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ ओरछा और इसलिए सोचा कि आपको एक छोटा सा मैं ओरछा मंदिर का टूर करा दूँ। तो हम आए हैं बाई रोड भोपाल से ओरछा। ये अराउंड 6 और 7 आवर्स भोपाल से लगता है और अगर आप चाहें तो झांसी से भी आ सकते हैं और झांसी से ये बहुत पास है। और हम आए हैं भोपाल से तो हमें ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगे हैं यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारे रिजॉर्ट मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा रिजॉर्ट है बहन, वो बहन बताएगा, ओरछा क्लब एंड रिजॉर्ट। ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, ये ओरछा क्लब एंड रिजॉर्ट का व्यू है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आप और भी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे, पहुँच के फ्रेश होके अब हम जा रहे हैं मंदिर और फिर मैं आपको वहाँ पे मंदिर का विजिट करवाती हूँ कि कैसा है वो मंदिर। तो ये मैं आपको थोड़ा सा अपने जो रिजॉर्ट है उसका व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप जब भी यहाँ पे आएँ तो ऑलरेडी जो नेट पर आप चीज़ें सर्च कर लें कौन से होटल रिजॉर्ट अच्छे हैं, आपको सारी चीज़ें उसमें रिव्यूज़ मिल जाएंगे, फीडबैक मिल जाएंगे। और ये जो हमने लिया ये आई थिंक 3,500 और 4,000 के बीच एक दिन का रेंट है रूम का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़ा मैं आपको ओरछा के बारे में बता देती हूँ। ये एक निवाड़ी ज़िले में एक ऐतिहासिक नगर स्थित है जो रुद्र प्रताप सिंह जो बुंदेला हैं इनकी ये राजधानी मानी जाती है। और ये बेतवा नदी के तट पे बसा हुआ है और टीकमगढ़ से अगर आप आना चाहें तो ये 80 किलोमीटर दूर है और झांसी से बहुत ही पास है 15 किलोमीटर्स। और हम आए हैं बाई रोड भोपाल से जो 6 से 7 घंटे आपको लग जाते हैं। ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहा जाता है, आपको पता होगा। ये राम राजा जो हैं उनका दूसरा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। अच्छा, जिनको नहीं पता हो मैं बता दूं कि ये भारत के मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में स्थित है ओरछा और ये बहुत ऐतिहासिक नगरी है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी जो यहाँ की राज्य की राजधानी के रूप में सन 1501 में के समय हुई थी। और ये बेतवा नदी पर स्थित है। टीकमगढ़ से ये 80 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा, खजुराहो से अगर आप आते हैं तो 2 घंटे की दूरी पे है और झांसी से तो ये बहुत ही पास है 15 किलोमीटर की दूरी पे। और हम आए हैं भोपाल से बाई कार तो ये आपको बाई कार 6-7 घंटे बहुत आराम से, डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर, 6 घंटे तो लग ही जाते हैं। और जब आप ये आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे वैसे ही पतली पतली गलियाँ जैसे आपको मथुरा आगरा या इन सब जगहों पे देखने मिलती है एज इट इज़ यहाँ पे भी हैं। ये आप देख सकते हैं ये बैरिकेड बना हुआ है, यहाँ से ये मंदिर के लिए जाने के लिए गेट है और सामने में फूलों की दुकान मिठाइयों की दुकान लगी हुई है। यहाँ पे नए शादीशुदा जोड़े अक्सर आते हैं राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए क्योंकि प्रथा है ये यहाँ के राजा हैं, इनके आगे और कोई नहीं है तो यहीं पर सब माथा टेकने आते हैं, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, सिपाही हो या लोग हों। तो ये जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं ये जो मधुकर शाह जो राजा थे यहाँ पे और वो अपनी रानियों के साथ यहाँ पे रहते थे। बुंदेला वो दूसरे जो राजा हुआ करते थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आगरा और मथुरा में आपने पतली पतली गलियाँ देखी होंगी तो ओरछा की भी वैसी ही कहानी है गलियों की। यहाँ पे आपको छोटे मोटे होटल से लेके बड़े बड़े रिजॉर्ट मिल जाएंगे क्योंकि लोगों ने अपने खेतों को रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया और बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर रिजॉर्ट हैं। बेतवा नदी और घाट पे तो और भी सुंदर हैं। अब चलिए हम मंदिर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आपको फूल मिल जाएंगे बाहर ही तो आप वो ले लें ज़रूर। और यहाँ पर प्रसाद में आपको
सूजी के और बेसन के पेड़े, हलवे, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग ज़रूरी है। और फिर चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने गेट, यही है मंदिर का गेट। तो ओरछा के पीछे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो मैं कोशिश करूँगी किसी पंडित से ही सुनवाने की, बट मैं थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब भी आप आएँ तो ज़रूर ये कहानी सुन के आएँ, चाहे यूट्यूब में हो चाहे पुस्तक में हो। यहाँ पे जो राजा थे मधुकर शाह, बुंदेला के जो राजा थे, और उनकी रानी जो थी गणेश कुंवर राजे, जो ग्वालियर से शादी होके यहाँ पे आई हुई थी। तो राजा जो थे वो कृष्ण भक्त थे, रानी जो थी वो राम भक्त थी। तो एक बार राजा ने उन्हें कहा कि चलो हम वृंदावन चलते हैं। रानी अड़ गई कि नहीं, मुझे जाना है अयोध्या। तो राजा ने फिर उन्हें कहा कि अगर तुम्हारे आराध्य इतने ही तुमको पसंद है और वो तुमको अपना मानते हैं, तो तुम उनको यहाँ पे लेके आओ। तो यही से कहानी यहाँ की ओरछा की शुरू हुई, कि राम कैसे आए यहाँ पे, वो यहाँ के राजा कैसे बने। तो मैं आगे आपको कहानी और सुनाती हूँ। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, इसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। और अभी हम जहाँ पे एंट्रेंस कर रहे हैं, वो है राम राजा का एक्चुअल मंदिर। वैसे ना ये उल्टा है कहानी, अगर हम देखा जाए तो। जो चतुर्भुज मंदिर है वो एक्चुअल में बनाया गया था राम जी के लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया, राम राजा जब यहाँ पे आए तो वो कुछ शर्तों के साथ आए थे, तो जो शर्तें पूरी नहीं हो सकी, इसलिए वो ये जो पुराना मंदिर है वहीं पे उन्होंने अपना मंदिर बनवा लिया। तो मंदिर में तो जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने बाहर से सिर्फ आपको दिखा दिया। चलिए चलते हैं हम चतुर्भुज मंदिर, जो यहाँ के राजा ने बनवाया ज़रूर था राम स्थापना के लिए, लेकिन राम जी यहाँ पे कभी बैठे नहीं। उसके पीछे भी जो कहानी है वो अभी पंडितों की ज़बानी में आपको सुनवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो जो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ सामने का व्यू, ये आप देख सकते हैं। चतुर्भुजी मंदिर में अभी आपको विष्णु जी की प्रतिमा मिल जाएगी, क्योंकि राजा विष्णु जी को मानते थे। तो राम जी की स्थापना नहीं हो पाई, इसलिए विष्णु जी की स्थापना उन्होंने कर दी। और ये जो मंदिर है, यहाँ पे तीन मंदिर मुख्य हैं आसपास जो तीनों बने हुए हैं। एक मंदिर जो मैंने आपको बाहर दिखाया था, जिसमें राजा रानी रहते थे, और ये जस्ट सामने उसके चतुर्भुजी मंदिर है। क्योंकि राजा चाहते थे कि मैं ऐसी मंदिर की स्थापना करूं जहाँ पे भगवान को मैं अपने महल से ही बैठे बैठे देख सकूं। तो ये जो आप झरोखा सामने देख रहे हैं, ये सीधे सीधे राजा के महल पे दिखता है। और महल से अंदर की तरफ हम देखें, या मैं आपको दिखाती हूँ, तो सीधे भगवान के दर्शन होते हैं। वो नहीं चाहते थे कि मुझे घूम के भगवान के दर्शन करने आए, मैं सीधे सीधे अपने राजमहल में बैठे बैठे ही भगवान के दर्शन कर लूँ। तो चलिए मैं आपको ये झरोखे के पास भी लेके चलती हूँ। जो मंदिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बाहर दिखाया था, वही मंदिर यहाँ से भी, सॉरी, वही महल आपको यहाँ से भी दिख जाएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये झरोखे से। ये आप देख सकते हैं, ये वही महल है जो मधुकर शाह का महल है, जो मैंने नीचे आपको दिखाया था शुरुआत में सबसे पहले। और वहाँ पे भी मैं आपको जाके दिखाऊंगी, वहाँ पे भी एक झरोखा है जहाँ से सीधे भगवान के दर्शन होते हैं। तो चलिए मैं आपको ये जो पूरी स्टोरी है ना, कि भगवान को सामने ऐसे क्यों उन्होंने मंदिर बनवाया ताकि सीधे सीधे दर्शन हो सके, वो सब के पीछे क्या कहानी है, राजा राम के आने की यहाँ पे क्या कहानी है, हम डायरेक्ट यहाँ के जो पंडित जी हैं जो चतुर्भुजी मंदिर में बैठते हैं राम की उनसे ही भक्ति पूछते हैं। राजा कृष्ण के थे। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, एक भक्ति करूं। रानी ने कहा नहीं, मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। तब राजा ने गुस्से से कह दिया, सच्ची राम की भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेके आओ। रानी ने सोचा राजा को अपनी भक्ति का विश्वास किया, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया। तो रानी राजा के सामने प्रतिज्ञा करती है कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को अयोध्या से लेके आएंगे, या तो सरयू मैया में प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरयू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया, जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरयू मैया में प्राण त्यागने के लिए खूनी, तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा, रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटो।
उनने की नहीं हम आपको लेके जाएंगे वरना वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा जैसी प्रतिज्ञा से आप आई उसी प्रतिज्ञा से मैं चलूंगा। उनने कहा आप बोलो हम स्वीकार करेंगे। उनने कहा आप उस संरक्षित में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ राम राज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा, दिन में रहेंगे ओरछा और शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। तब राजा को अहंकार हो गया कि मैं ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठक बैठक दर्शन करें। आप देखिए किले से उस खिड़की के कारण भगवान को तीन लोग के अंतराम में, भगवान ने सोचा मैं अयोध्या से चल रहा हूँ, राजा अपने महल से देखेंगे। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो रानी ने कुछ समय के लिए विराजमान कर दिया कि कुछ समय बाद हम उठा लेंगे। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया, भगवान रसोई से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो रानी ने मंदिर रसोई बनवाना शुरू कर दिया। राजा कृष्ण के भक्त थे, राजा ने सोचा भव्य मंदिर बनवाया, एक राज्य में दो राजा नहीं रहेंगे, राम राजा कृष्ण राजा। तब राजा ने फिर यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा जी, कृष्ण भगवान, चतुर्भुज के नाम से और रामलला सरकार के नाम से, वह रानी महल, जांगीर महल, सीत महल, त्रिवीन महल, थोड़े आगे वेदपाल हस्ती जो भोपाल से निकली हुई है, कंचन अघाट छत्रियां याददाश्त के लिए, एक चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, बाग में हरदोल जी का चबूतरा, जो सावन भादो के नाम से खम्मा बोले जाते हैं, राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो इसीलिए अयोध्या में राम, ओरछा में राजा, राजा राम, वो सलामी लगती है, जय जय। तो ये जैसे सुनी आपने पंडित जी, जिनको समझ ना आया हो मैं उनको बता दूं कि राम भगवान इस शर्त पे आए थे यहाँ पे कि मैं अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कोई दूसरा राजा नहीं रहेगा और मैं कृष्ण पक्ष में ही चलूँगा और मैं जहाँ एक बार बैठ गया वहाँ से हिलूँगा नहीं। तो रानी ने वहाँ से राजा को पत्र भिजवाया कि मैं राम को लेके आ रही हूँ, आप मंदिर बनवाएं। राजा ने मंदिर बनवाना शुरू किया और राजा ने ऐसा मंदिर बनवाया कि वो मैं अपने महल से बैठ के उनके दर्शन कर लूँ। तो भगवान को लगा कि पूरे तीन लोक का मैं राजा हूँ और ये राजा मेरे दर्शन बैठे बैठे कैसे कर लेगा। तो यही सोच के भगवान ने बोला मैं एक बार जहाँ बैठ जाऊँगा हिलूँगा नहीं। तो रानी जब आई भगवान को लेके तो मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तो उन्होंने उन्हें अपने किचन में रखा, जहाँ रसोई घर में रखा। उसके बाद जब मंदिर बन गया तो भगवान वहाँ से उठे ही नहीं, इसलिए वो जो अभी राम का एक्चुअल मंदिर है वो पहले रानी का रसोई घर हुआ करता था और जो मंदिर बनवाया गया जहाँ पंडित जी आपको मिले वहाँ पे फिर विष्णु जी की प्रतिमा रखी गई। चलिए अब हम चलते हैं रानी और राजा के महल, जहाँ से राजा सीधे ही दर्शन करना चाहते थे राम भगवान के, इसे शीश महल भी कहते हैं। और मंदिर से निकल के यहाँ पे आप सीधे ही आ सकते हैं क्योंकि दोनों जस्ट ऑपोजिट ऑपोजिट पैरेलल पे बसे हुए हैं। अब ये हम पुल से होते हुए जाते हैं तो दोनों तरफ ये बेतवा की ही नदियों का पानी है तो आप देख सकते हैं। और किला इतना सुंदर बना हुआ है और यहाँ पे बहुत से शायद मूवियों की शूटिंग भी हुई है तो मुझे एक्चुअल में नाम नहीं पता। और एमपी टूरिज़्म ने महल का जो आधा हिस्सा है वो होटल में कन्वर्ट कर दिया है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या जो फॉरेनर्स होते हैं वो यहाँ पे आके स्टे करते हैं तो उसका निचला जो हिस्सा है वो होटल में कन्वर्ट हो गया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पे भी जाने के लिए आपको टिकट लेना होता है, टिकट लेके आपको ऊपर पूरा महल घूमना होता है। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ हमेशा ही रहती है और जब भी कोई रामनवमी या फिर कुछ ऐसे फेस्टिवल पड़े तब तो भीड़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो महल देखने में बहुत ही सुंदर है और इन जब पहले के टाइम में यहाँ पे कांच, मीनाकारी और बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से ये सजा होता था। अभी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, अंग्रेज़ों के टाइम से उन्होंने जैसे मंदिरों को तोड़फोड़ करना, महलों को तोड़फोड़ करना, वहाँ के जो कुंदन और जो हीरे जवरात वो लेके चले जाते थे तो वो चीज़ें अब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ महल का जो हिस्सा होता है वो रह गया है। तो ये है मेन महल, तो दिखने में ही बहुत सुंदर है। और ये जो नीचे का हिस्सा दिखा रही हूँ ये है होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये तीन फ्लोर का महल है, अभी हम ये सेकेंड फ्लोर पर आए हैं, अब हम चलेंगे थर्ड पे।
तो ये आप देख रहे हैं ऊपर में जो थोड़ी सी भीड़ दिख रही है वहाँ पे टिकट के लिए वो भीड़ है, आपको टिकट लेके ही आप अंदर जा सकते हैं। तो ये मैं दिखाती हूँ सामने, ये यहाँ पे लिखा है बुंदेला राजवंश की प्रथम राजधानी। अब यहाँ से सेल काउंटर है, आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। और यकीन मानिए ये महल में घुसते ही इतनी अच्छी फीलिंग आती है और इतना सुंदर नज़ारा है, मतलब मैंने बहुत सारे महल देखे हैं अभी तक जयपुर में, आमेर किला से लेके जल महल, और मैंने बहुत सारी महल देखे हैं राजस्थान में, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करी है, मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आया है ये मंदिर, सॉरी भवन। तो ज़रूर आप विज़िट करिएगा यहाँ पे ओरछा, मुझे बहुत ही पसंद आया, स्पेशली ये राम राज सरकार यहाँ पे हैं, तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे। और ये महल तो देखते ही बनता है, बहुत ही सुंदर इसमें कलाकृतियाँ बनी हैं जो हिंदू ट्रेडिशन जो होते हैं उसके हिसाब से, और जो मुस्लिम जो ट्रेडिशन होते हैं जो वो गुम्बद बनाते हैं, और जो क्योंकि इनकी जो आर्किटेक्ट जब ये बने थे ना तो क्या होता था, जब एक बार महल बन जाते थे फिर दूसरे जब राजा इस पे आक्रमण करते थे वो तोड़ के कुछ हिस्सा फिर अपने अकॉर्डिंग बनाते थे, तो यहाँ पे मुगलों ने भी राज किया है और हिंदू शासकों ने भी राज किया है। तो जो बुंदेला थे वो हिंदू राजा थे, तो उन्होंने कुछ अपने तरीके से बनवाया और मुगलों ने कुछ अपने तरीके से, तो वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से वो मंदिर सीधे सीधे दिखता है, यहाँ पे भी एक झरोखा है जहाँ से आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये नीचे का एरिया भी देख सकते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है ऊपर से देखने में। तो ये आप बोल सकते हैं एक ऐतिहासिक गढ़ है, जैसा ग्वालियर है वैसे ही ये ओरछा है। अब चलिए हम थोड़ी दूर पे और महल से निकल के चलते हैं, तो यहाँ आपको मिल जाएगी बेतवा नदी, जिस जो बहुत अपने उफान पे थी क्योंकि हम शाम को आए हुए थे। और बेतवा नदी की यहाँ पे एक घाट है जो दूर आपको दिख भी रहा होगा, बट अभी हम ये पुल की तरफ आए हैं, दो हिस्सा है इसका, तो वहाँ जो है वो घाट है और यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवाने, और नज़ारा यहाँ पे थोड़ा अलग होता है क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, आप ये देख सकते हैं ऊपर पुल भी बना हुआ है, और यहाँ पे चौपाटी शाम को लगती है तो बहुत अच्छा नज़ारा होता है। तो ये पूरा जो ओरछा है ये बेतवा के घाट पे बसा हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। अब मैं आपको दूसरी तरफ भी ले चलूँगी जो प्रॉपर घाट है, और वहाँ पे सावन भादो एक मंदिर बना हुआ है, तो ये देखिए आप व्यू। कोशिश करूँगी कि मुझे जितनी जानकारी मुझे वहाँ जाने पे हुई है वो मैं सारी शेयर करूँ आपके साथ, ताकि आप जब जाएं तो सारी चीज़ें अच्छे से देख समझ पाएं। अब हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हुए चलते हैं हम घाट की तरफ, ये मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, चौपाटी जैसा यहाँ पे नज़ारा है बहुत ही अच्छा, आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, यहीं से रिजॉर्ट शुरू हो जाते हैं, घाट पे भी बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हैं। अब ये है आपका जो सावन भादो मंदिर जो बोल रही हूँ ना, वो कहते हैं कि जब सावन ख़त्म होता है भादो शुरुआत जब होती है, तो अभी कितनी सच्चाई है मुझे भी नहीं पता है, ये दोनों मंदिर के पिलर इस पे मिल जाते हैं, तो इस घाट पे ऐसे आपको बहुत सारे पंडित गाना गाते हुए दिखाई देंगे। और अभी यहाँ पे लेटेस्ट अभिषेक बच्चन की कोई मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ, मुझे पता चला पूछने पे, और ये जो घाट है यहाँ पे वाटर राफ्टिंग और बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो पानी के होते हैं, तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये गाना इंजॉय करते करते चलिए हम ओरछा का सफ़र यही ख़त्म करते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।